लोकसभा चुनाव का सामूहिक रूप से बहिष्कार। ब्लॉक बस्कारी अंतर्गत ग्राम सभा डोंडो एदिलपुर के ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से आगामी लोकसभा चुनाव के विरोध में उतर आए हैं। डोंडो ग्राम के निवासियों का कहना है कि कई दशकों से डोंडो ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने पोलिंग बूथ पर वोट पड़ता था, मगर इस बार पोलिंग बूथ यहां से हटाकर 2 किलोमीटर दूर नई बाजार उच्च प्राथमिक विद्यालय पर कर रहे हैं, जिससे लोगों को वोट डालने में काफी दिक्कतों का सामना पड़ेगा, खास तौर से महिलाओं और बुजुर्गों को, क्योंकि ग्राम सभा डोंडो एदिलपुर के कुल वोटरों की लगभग 80% से ज्यादा आबादी यहीं पर है। हम लोगों की मांग यह है कि बूथ जो है हमारे गांव से गांव में प्राइमरी पाठशाला पे बरसों से था, इस वक्त जो है वो हटा दिया गया है, जबकि यहां गांव में जनता जो है 80% वोटर्स यहां बास करते हैं और 20% बाहर है। उठा करके 1.5 किलोमीटर उधर कर दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ की जनता को जाने आने में दुर्लभता है। इसलिए जो है हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं और जो है हमारा बूथ यही होना चाहिए जहाँ पहले था, यहाँ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो बूथ यहाँ से स्थानांतरित करके नई बाजार में कर दिया गया है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इससे होने वाली परेशानियाँ क्या हैं? परेशानियाँ क्या, इसके SDM महोदय साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसके बाद जो है DM साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया गया था कि श्रीमान जी बूथ जो हमारा जो है डोंडो से ना हटवाया जाए, ना एदिलपुर ना किया जाए, इससे दुश्वारियाँ उत्पन्न होंगी। लेकिन हमारे जो है प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस चीज़ को लेकर गाँव वालों में काफ़ी रोष है। पूर्व की भांति अगर बूथ यहाँ पे ना आया तो क्या आप लोग वोट नहीं देंगे? इस कंडीशन में गाँव वालों की यही मर्जी है कि अगर पूर्व की भांति अगर ये बूथ यहाँ पे नहीं आया तो लोग इसका बहिष्कार करने के मूड में हैं।